अब ऐसी नहीं हो सकती। ओना इसके मन में जरूर कोई बात है जो ये इतना बदल गई है। उन्हें एक साइकेट्रिस्ट के पास जाना चाहिए। मैंने तुमसे पहले ही कहा था करण, लेकिन अब देर मत करना, जितनी जल्दी हो सके ले जा। आबा मेरे साथ चलना, जरूरी काम। कहाँ? चिप्पू कहीं का दीदू फाड़ के देख रहे हो? अच्छा लागे है बाबा सबके साथ गिरती थी। पूरा एपिसोड देखिए Zee5 पर। सच फिर वही दर्द, वही परेशानी में देख रही हूँ तेरे चेहरे में। कहाँ गया था तू? वही दर्द, वही परेशानी। क्या हुआ है राजे, बता मुझे। वो जिंदा है। ऐसे कैसे हो सकता है? सालों बाद, इतने साल उसकी कड़वी यादों से भागता रहा मैं, अपने आप को बचाता रहा, बस फिर से जिंदगी में क्रांति बंद कराई। तू मिला उसे? मिलने की हिम्मत नहीं थी, कहीं उसका सामना करने की इच्छा, उसका जिक्र भी मेरे जिंदगी को दहला कर रखते थे। जानती हूँ बेटा, क्या कुछ नहीं सहा है तुमने और तुम्हारे परिवार वालों ने उसके लिए। वादा कर मुझसे, वादा कर राजे, वादा कर मुझसे कि से भी अगर वो तेरे सामने आ जाएगी तो तू उसे नहीं मिलेगा। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि उसका जिक्र भी मुझे पसंद नहीं है। दोबारा से अपने राजे की जिंदगी में नहीं आने दूंगी, किसी कीमत में भी नहीं। हम जानते थे कोई ना कोई बात तो जरूर है जो राज्य को इतना परेशान कर रही है, कोई ऐसी बात जो उन्हें इस तरह के गलत फैसले लेने के लिए मजबूर कर रही है। लेकिन राज जी हमें समझ नहीं आ रहा है कि हम इस वक्त आपसे कुछ भी कैसे पूछें या नहीं। शायद इस वक्त हमें हक नहीं है कि हम आपसे कुछ भी पूछें। क्या कर रहे हैं आप? करें खाओ अपनी बच्ची की सर की कसम, खाओ अपनी बच्ची की कसम और बोलो क्या बात है जो ऐसा बिहेव कर रही हो। क्या बात है? आप आभा, हम पहले जैसे ही, पहले जैसे नहीं हो तुम। पहले जैसी नहीं हो तुम, और ये बात मैं नहीं पूरा परिवार देख रहा है। तुम वो आभा नहीं जो अपने परिवार की खुशियों के लिए अपनी खुशियां दांव पे लगा देती थी। अपनी बच्ची को दूध तक पिलाना नहीं आता तुम्हें,
तुम वो आभा नहीं जो अपनी बच्ची को सुलाने तक एक आंख नहीं झपक पाती थी। मेरी आभा को मुझ पर अंधा विश्वास था। मैं मानता हूं मां जो भी कहती है सही नहीं होता, लेकिन तुमने उन बातों का कभी बुरा नहीं लगाया, चाहे वो बातें कितनी भी कड़वी। तुम बदल चुकी हो आभा, और कुछ तो बात है, कोई तो बात है जो तुम मुझसे छुपा रही हो, और मैं जानना चाहता हूं वो क्या है। नहीं, मैं तुम पे शक नहीं कर रहा। मैं अपनी आभा पे कभी शक कर ही नहीं सकता। मुझे तुम पर पूरा विश्वास है आभा, और भगवान की कसम हमेशा रहेगा। मुझे इस बात का भी विश्वास है कि कोई ना कोई बात जरूर है जो तुम्हें डिस्टर्ब कर रही है और तुम इस तरह बिहेव कर रही। आपको कोई गलतफहमी हुई है, और आप इसे सोच भी कैसे सकते हैं कि हम वो वाली आभा नहीं है, हम आभा ही हैं। मैं जानता हूं तुम मेरी ही आभा, और मैं ये भी मानता हूं कि हमारे रिश्ता इतना गहरा है कि मुझे तुम्हें लेकर और तुम्हें मुझे लेकर कभी कोई गलतफहमी नहीं हो सकती। कुछ तो बात है ना आभा, तुम क्यों ऐसा बिहेव कर रही हो? देखो, मैं नहीं चाहता कि हमारे बीच कभी कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो, इसीलिए तुम्हारे दिल में जो कुछ भी है तुम मुझे बता। मारो बिट्टू भी ऐसे ही सीढ़ियों से गिरो तो उसे तो ना बचा पाए। काश हमें ये बात राज्य के फैसला लेने से पहले पता होती तो हम कभी राज्य को ये कदम नहीं उठाने देते। राज्य ने ये निर्णय लिया और गलत लिया, हम मानते हैं, लेकिन दूसरी तरफ पिताजी आप भी जानते हैं कि राज्य बुरे इंसान नहीं है। उन्होंने ये कदम उठाया तो इसमें जरूर उनकी कोई ना कोई मजबूरी रही होगी पिताजी। बेटा बस अब तो भगवान पर भरोसा है कि जल्दी ये सब ठीक हो जाए, क्योंकि ये जो हुआ है ना उससे आभा को बहुत तकलीफ पहुंची, तबीयत बिगड़ गई है उसकी। करण उसे हॉस्पिटल लेकर गया है। तुम अगर उनसे मिलना चाहती हो तो जब तक वो आ नहीं जाते तुम उनका अंदर बैठकर इंतजार करो, बात कर लो उनसे। हमें जरा बाजार जाना है।
राजे, बेटा कुछ सोचा है उसके बारे में? उसे ढूंढोगे या फिर ऐसे ही जाने दोगे? तारी माँ आप अच्छी तरह से जानती हैं कि मैं उसके बारे में बात भी नहीं करना चाहता। बेटा मैं जानती हूं कि तुम उससे मिलना नहीं चाहते, लेकिन वो क्या चाह सकती है, क्या कर सकती है, इसका भरोसा नहीं है। सोचो, अगर वो यहां पर आ गई और उसने इस घर की इज्जत मिट्टी में मिला दी, तो इससे पहले भी तो वो ऐसी कोशिश कर चुकी है ना? दाई मां, मैं मानता हूं कि उसे और उसकी बातों को भुलाना इतना आसान नहीं। मेरे अतीत के काले साये ने फिर से मेरे वर्तमान को घेर के रखा है, लेकिन मैं इसे भाग नहीं सकता। इसका सामना तो मुझे करना ही होगा, चाहे उसका परिणाम जो भी हो। आप में से इनका रिश्तेदार कौन? ये इनकी हालत ऐसे कैसे हुई? हम तो इन्हें जानते भी नहीं। ये तो हमें सड़क किनारे जख्मी हालत में पड़ी हुई मिली, इसलिए हम लोग इंसानी इतनाते नहीं यहाँ लेकर आ गए। देखिए, इनके सर पे बड़ी गहरी चोट लगी हुई। ये पुलिस केस है, फिर भी हमने इलाज कर दिया है। धन्यवाद। करण, आभा कैसी है? वो ठीक तो है ना? हाँ प्रियंका भाभी, बस अभी चेकअप चल रहा है। फिक्र मत कीजिए, मैंने शैली भाभी को बता दिया, हम लोग घर आके बात करते हैं। लेकिन करण, उस बेवकूफ के मुंह से कुछ निकल गया ना, मैं तो गई काम से। अभी लो आप जा सकते हैं, लेकिन जब भी पुलिस बुलाए आपको यहाँ बयान देने के लिए आना पड़ेगा। और जाते वक्त रिसेप्शन पे अपना एड्रेस लिखवा के जाइए। अच्छा जी, अब हम जाएं? जी अच्छा, चलिए। अब कुछ सीरियस तो नहीं है? नहीं सर, घबराने की कोई बात नहीं। महलों में रहने वाले, ऐशो आराम से रहने वाले, पता नहीं इस डिब्बे जैसे घर में कैसे गुजारा कर पाएंगे। सच कहूं बहन जी, आपके सिर पे तो आसमां टूट पड़ा है। मुसीबतों पे मुसीबत आ ही रही है। लो, मुसीबत का नाम लिया और मुसीबत की वजह भी याद। अब इस घर में तो अपना हिस्सा मांगने तो नहीं आई हो ना लता? माँ, आंटी जी, हम आभा से मिलने आए हैं और ये कुछ गिफ्ट्स लाए हैं पावनी, अस्मी और मुन्ने के लिए। पहले ही बहुत एहसान कर चुकी हूँ हम लोगों पर, अब तुम्हारे और एहसान हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये सुना था मैंने लता, कि किसी के जब अच्छे दिन होते हैं ना, तो दूसरों की तकलीफ देख नहीं पाते। माना कि तुम्हारी शादी बड़े घर में होगी, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि तुम अपनी अपनी सगी बहन को उसी के घर से निकाल दो। मुझे तो आज तक बुरा लग रहा है बेचारी आभा की, जिस आभा ने इस लता के लिए इतना कुछ किया, इसी लता ने पैसों के चकाचौंध में अंधे होकर
आभा और उसके परिवार के साथ इतना घिनौना व्यवहार किया? मामी जी आप गलत समझ रही हैं। हम मानते हैं कि आभा और हमारे बीच में तनाव था, लेकिन हम कभी भी आभा को तकलीफ नहीं पहुंचाना चाहते। हम मानते हैं जो कुछ भी हुआ वो गलत हुआ है, लेकिन हमारा यकीन मानिए, हमें इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था। अगर राज्य ने ये कदम उठाया है तो जरूर उनकी कुछ मजबूरी रही होगी। लता प्लीज, पहले तो तुमने स्वर्ण भवन हड़प लिया, अब मजबूरियों की दुहाई लेकर रिश्ते बनाने आए हो, और तुम जो कह रही हो कि तुम्हें इसके बारे में कुछ नहीं पता था, इसका यकीन हम कैसे कर ले? तुमने साफ साफ कहा था कि स्वर्ण भवन की मालकिन तुम हो। हो सकता है तुम्हारा और राज का प्लान हो स्वर्ण भवन हासिल करने का। अरे कुछ तो शर्म करो झूठ बोलने से पहले। प्रियंका प्लीज चुप रहो। हम पूरी तरह से कर्जे में डूब चुके थे माँ, आज नहीं तो कल स्वर्ण भवन हमें खाली करना ही पड़ता। आप जरा सोचिए कि अगर कोई बाहर वाला होता तो हम लोगों की हालत इससे भी ज्यादा बदतर हो सकती थी। खाली करना पड़ता, लेकिन जिसकी वजह से करना पड़ा है वो बेशर्मों की तरह हमारे जख्मों पे नमक छिड़कने नहीं आती, झूठी हम दर्दी लेकर। तुम्हारे झूठे दिलासे मैं और नहीं सुनूंगी। तुमने और आभा ने मिलकर पहले ही कनिका का घर उजाड़ दिया है, और अब जो हमारे परिवार के साथ किया वो काफी। माफ करो हमें, निकल जाओ यहाँ से। सो सॉरी, आप लोग इतनी परेशानी से गुजर रहे हैं और मैं अपने प्रॉब्लम्स लेकर बैठी हुई हूँ। अभी अभी मैरिज काउंसलर के यहाँ गई थी तो सोचा आप लोगों से मिलते चलूँ। क्या कहा उन्होंने? माँ वो बोल रहे थे कि मुझे प्रकाश के साथ 6 महीने रहना होगा। तो मैं ये भी करने के लिए तैयार हूँ। देखा, सुन लिया सबने, कनिका अभी भी अपने रिश्ते को और मौके देना चाहती है, लेकिन कनिका मुझे अफसोस है कि इस घर में तुम्हें समझने वाला कोई नहीं है। माँ, ऐसे क्या देख रहे हैं आप? तुम्हें कभी कभी समझ में नहीं आता कि तुम ये आभा हो या वो। मतलब? मतलब मेरी वाली आभा हो या अब छोड़ो चलो। करण, हम आपकी पुरानी वाली आभा ही हैं, बस वो घर में इतना कुछ हो रहा है इसलिए कभी कभी हम। माना कि तुम्हारी शादी बड़े घर में होगी, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि तुम अपनी सगी बहन को उसी के घर से निकाल दो। हो सकता है ये तुम्हारा और राज का प्लान हो स्वर्ण भवन हासिल करने का,
अब इस घर में तो अपना हिस्सा मांगने तो नहीं आई ना लता। आप बहुत परेशान लग रही है। कभी कभी इंसान को यह भी पता नहीं चल पाता ना राज जी कि उसे दुख और तकलीफ का सामना क्यों करना पड़ रहा है। आज हमारी बहन और उसका परिवार तकलीफ में है, लेकिन हम चाहकर भी उसके हालात बदलना तो दूर, हम तो उसका कारण भी नहीं जानते। काश हम जान पाते कि आपकी परेशानी क्या है और आपने ये फैसला क्यों लिया। आप चिंता मत कीजिए अंकल जी, चिंता कैसे ना करूं। डॉक्टर के सामने कुछ बोल दिया तो मैं तो कहीं काम से। प्रियंका, कुछ कहा तुमने? वो भाभी, मैं सोच रही थी कि मैं आभा के बारे में सोच के चिंता कर रही थी। कभी सोचा नहीं था कि उसे साइकियाट्रिस्ट के पास जाना पड़ेगा, है ना? आभा, तुम ठीक तो हो ना? कहा साइकियाट्रिस्ट थे? एक्चुअली हम लोग साइकियाट्रिस्ट के पास जा नहीं पाए। आभा का पांव मंदिर की सीढ़ियों से फिसल गया, थोड़ी चोट आ गई तो। मेरा मतलब है, थैंक गॉड आभा को ज्यादा चोट नहीं लगी। ख्याल रखा करो बेटा, इस परिवार को तुम्हारी जरूरत। मन ने कहा छू रहे हो बुढ़ापे में जवानी। साला मर्दा लोगा को खूब जानू हूं मां, और बुढ़े बुढ़े तो कुछ ज्यादा ही मौका का फायदा उठावे बेटा बेटा कह के। मारो अपना मामा ने भी तो ऐसे ही। किस सोच में पड़ गई आभा? बेटा हमारी तो ईश्वर से यही प्रार्थना है कि तुम्हारी तुम्हारी सारी तकलीफें वो हमें दे दे। बेटा जरा थोड़ी राई और नमक ले आना। हमारे घर में जब भी कोई कुछ बुरा होता था या किसी बच्चे को कोई तकलीफ होती थी तो चंद्रप्रभा उनकी नजर उतारती थी। वो तो रही नहीं, लेकिन हम भी अपने बच्चों को हर बला से महफूज रखेंगे। अभी रहती हूँ। तीन सुबह
चाहिए। ये 40 रुपए का है तुम्हारे पास? 40 रुपए? जाओ पैसे लेके आओ पहले। दो ना। अरे बाबा बोला ना, जाओ पहले पैसे लेके आओ। अंकल ये मेरे को चाहिए। मैडम 40 रुपए का है। देख बच्चा ये ऐसे चलता है। अरे चोर पकड़ो 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 दीदी। हरे को पता है तू ना थी तो मामो मने मारा था। अच्छा हुआ तू आ गई दीदी। अब देखना कौन हाथ लगाता है मन्ने, है ना दीदी? झुमरू भी थारे को याद करता था। तुम कौन? मामो चल 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 दीदी। हाँ कौन मामो? चल चल दीदी चल अट्ठे थे चल 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 जीजी जल्दी आ जल्दी आ। एक बात कान खोल कर सुन ले, मन्ने मारी औकात ठीक से याद है। मां बंजारन हूं और शान से कहूं कि मां बंजारन हूं, पर अगर थारी औकात सबके सामने बता दी ना तो थारो के होवे। कर लो जो करना है लेकिन एक बात ध्यान से सुन लो, तुम्हारा भाई जिंदगी भर तुम्हारे उस शराबी मामा की शराब लाने के लिए ठेकों के चक्कर काटते रहेगा और तुम उन शराबियों के सामने ठुमके लगाती रहोगी। ठेकों के चक्कर? तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हारे भाई और तुम्हारे मामा की खबर नहीं रखती? पल पल की खबर है मुझे। अभी थोड़ी देर पहले तुम्हारा भाई ठेके से शराब लेकर निकला है, इसलिए मुझसे इस तरह बात करने से पहले एक बार अपने भाई के बारे में। तूने वो औकात वाली बात की ना, इसलिए मारो पारो। देख चमक चलो, मैं जो भी कर रही हूँ अपने बिट्टू के इलाज के वास्ते कर रही हूँ। उसको अपने पांव पर खड़ा होता देखने है मन, बस इसीलिए कर रही हूँ। तू बस बिट्टू के इलाज के वास्ते पैसे टाइम पर दे, आंख मूंद कर मैं तारों काम करूंगा। तुम्हें सिर्फ आभा का काम उल्टा करना है। वो रिश्ते जोड़ने का नाटक करती थी, तुम्हें सिर्फ उसकी सच्चाई हो जाएगा। पूरा एपिसोड देखिए Zee5 पर।